नमस्कार दोस्तों, सरदार नुस्खे के स्पेशल एपिसोड में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ किडनी के बारे में। दोस्तों, अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है और आप डायलिसिस हैं, या आपको इस तरह की समस्या है या होने वाली है, या आपको लगता है कि इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है आपको, तो आप ऐसे में इस वीडियो को देखते रहिए। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप डायलिसिस पे भी हैं तो भी आपको काफ़ी हद तक रिलैक्स मिलने वाला है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं इसके अंदर की क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे इस किडनी की प्रॉब्लम की, गुर्दे की प्रॉब्लम में काफ़ी हद तक फायदेमंद होने वाली है। दोस्तों, अब अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह के तमाम वीडियो आपके इनबॉक्स में मिलता रहेगा और आप जो है हमेशा इस तरह के नुस्खों से अपडेट रहेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि किडनी हमारे बॉडी के अंदर से ब्लड को रिफाइन करता है, यानी कि ब्लड को छानता है, और जो अशुद्धिकरण होती है, जो अशुद्ध मात्रा होती है, वह उसको बाहर निकालता है। दोस्तों, ऐसे में अगर प्रॉब्लम होती है इसमें तो बहुत हद तक आपको डायलिसिस के दौर से भी गुजरना पड़ता है। दोस्तों, ऐसे में अगर आप पुनर्वा, कमल के फूल और पत्थर चूरा जैसी आयुर्वेदिक औषधियों से बनी एक आयुर्वेदिक दवा नीरी केफ्टी को लेते हैं तो आपको इससे बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है। जो आयुर्वेद का नुस्खा है, यह जो है आपके इसमें बहुत हद तक फायदेमंद साबित हो रहा है। और साथ ही जो लोग डायलिसिस पर हैं या जिनका प्रोटीन यूरिया या क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ा हुआ है, वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनको काफी हद तक बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों, इंडो अमेरिकन जर्नल के रिसर्च के मुताबिक एक शोध पत्र में यह दावा किया गया है ऐसा कि इसको अगर आप सेवन करते हैं तो बहुत हद तक फायदेमंद होता है। दोस्तों, साथ ही साथ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं मिस्टर केएन द्विवेदी ने भी दावा किया है कि गुर्दों में भारी तत्वों की, मेटाबॉलिक पदार्थों की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए यह जो दवा है ये काफ़ी हद तक फायदेमंद होता है। और साथ ही साथ इसके जरिए आपके गुर्दे को एंटीऑक्सीडेंट तत्वों की भी प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, यह जो दवा जो है मार्केट में उपलब्ध है और यह जो है काफ़ी हद तक कारगर सिद्ध हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप इस आयुर्वेदिक उपचार को लेना ना भूलें और आप जो है डॉक्टरी सलाह लेते रहें ताकि आप इस प्रॉब्लम से बच सकें। तो दोस्तों, ये था टिप्स आपके किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह के डेली नुस्खे हम आपके सामने लेके आते रहेंगे और आप हमारे इन नुस्खों से हमेशा अपडेट रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।